Here's the bad boy. हेलो भाई कैसे हो? और एक साल की खुशी में भाई मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ के स्टाफ ने कई बार वार्निंग दे दी है कि सर प्लीज क्लियर आउट, प्लीज क्लियर आउट। लोगों ने देखा कि किसी ने घेरा डाला हुआ है बट उसमें समझ नहीं आ रहा कि किसको डाल रखे हैं। क्रेजी हो गए लोग भाई, ये देखो ऊपर चढ़ चढ़ के कुछ पीस मिठाइयों के बंदे ने नहीं घुसेड़ दी गाड़ी। साल की खुशी में आपके लिए ये बाकी पूरा डब्बा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। सो वेलकम टू द लेक के व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आज पूरा एक साल हो गया हमारे को ये डायलॉग बोलते बोलते और YouTube पे भी। जो एक साल का सफर रहा है बहुत ही सुहाना रहा है, बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ, बहुत ही मज़े के साथ बीता है सफ़र हमारा। क्या कुछ नहीं किया है हमने यार इस एक साल में। लोगों ने इतने अच्छे से साथ निभाया है मेरा अभी तक और निभाते आ भी रहे हो, और इतना प्यार दिया आप लोगों ने, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है, उसके लिए मेरी बेटी। क्या कुछ नहीं देख लिया जब से मतलब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया। मैं आधी ज्यादा चीजें ना एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। गांव में कुछ फंक्शंस होते हैं या कहीं और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कहीं भी मैं घूमने गया हूँ सब मिस कर देता, क्योंकि अगर व्लॉगिंग नहीं होती तो शायद ही मैं इतना कुछ करता। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, मतलब आप लोगों ने एक साल तक इतना ज़्यादा सपोर्ट प्यार किया है ना मुझे, आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे आप जैसी फैमिली मिली। एक साल हो गया जैसे आज पूरा, तो ऐसा सच मेरा कुछ प्लान था नहीं कुछ करने का, बट ऑल ऑफ अ सडन यार मैं क्या देखता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम खोला सुबह, लोग सभी जानते होंगे अनुनय सूद कौन है, इज अ व्लॉगर, जिनकी स्टोरी देखी तो उन्होंने डाला कि जीरकपुर के स्टारबक्स में आज मीटअप रखते 1:30 बजे का। मैं खुश हो गया, मैं क्या बात है यार, इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है। ये सोने पे सुहागा हो गया आज तो अपने लिए यार, एक साल पे आपको मिल जाए दियो इंस्पिरेशन को देख के आप ये सोचते हो कि हाँ यार इन जैसा भी बनना है, इन जैसा करना है। सो आज वो फाइनली मिल रहा है हमें 1:30 बजे स्टारबक्स पे, और फिर मुझे रोनी भैया का फोन भी आता है कि यार अनुनय सूद से मिलने चलना है। मैं चलो जी, तो फिर उनको लेने आ गए हम। क्या बात है सर, Here's the bad boy. Here's the bad boy. Finally. हेलो भाई कैसे हो? ठीक हो? रेकेट सार में आगे फिर देख लो। रेकेट सार में तो ज़्यादा फोर्स है रेकेट सार में आपने। नहीं आगे तो। आए। ओह शिट भाई तो फोन कर दिया। चलो 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 चलो। यार सीन ये था कि पूरा एक ट्रिप मार के आ रहे हैं अभी लेह लद्दाख का, और फाइनली अब शायद वापस जा रहे बैक टू दिल्ली। सो इन्होंने एक छोटा सा मीटअप रखा, कुछ चलते हैं मिलते हैं भाई, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट ऑल हैपेंस। हम लोग ही लोग हैं भाई, क्रेजी। एक दिन अपना भी ऐसा ही आएगा। क्यों गाइस, क्या बोलते हो, आएगा कि नहीं ऐसा दिन? एक क्रेज नेक्स्ट लेवल भाई। और एक साल की खुशी में भाई मिल रहे हैं। कमीशन है आपको, चार बच्चे हैं ऊपर। तो गाइस हमने सोचा ऑर्डर कर लेते हैं, कहीं हमारे को बाहर ना निकाल दे सुस्त में। सो बाकी गैंग ऊपर चली गई है, देखो भाई बहुत ही, हमने वैसे ही सोचा था कम लोग आएंगे तो ज़्यादा बेटर है, बट नहीं लोग बहुत आए भाई। भाई हम शराफत में ऑर्डर करने लगे, सारे ऊपर शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कार्यक्रम खत्म हो जाए जब तक हम ऊपर पहुँचे। क्रेजी अमाउंट ऑफ पीपल, सोच चांस इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। स्टारबक्स वालों ने वार्निंग दी है कि शोर गया ना तो बाहर है। नहीं
और वो 40-40 मिनट के ब्लॉग्स अगर आज 10 मिनट ना बनता फिर आगे भी भाई 40 मिनट के ब्लॉग ये घंटे वाला मजा आ गया था। ये घंटे वाला मजा किसी की स्टोरी बताता हूं कैमरा नीचे करो एएमडी में साइन नहीं हो रहा है एएमडी में ठीक है हो गया अपना मुखवा एक छोटा सा गिफ्ट एक और कुंडली चेक करवा लो बस सिंस दैट यू ट्रैवल बड़े थॉटफुल गिफ्ट ला रहे हैं यार थैंक यू सर वो ये इसके पीछे तो भाई क्रेजी अमाउंट ऑफ क्राउड इकट्ठा हो गया शोर सबने बजाया बाकी कस्टमर्स है उनको दिक्कत आ रही है इस करके हमने सोचा चलो बाहर क्लियर आउट करते हैं क्योंकि यहाँ के स्टाफ ने कई बार वार्निंग दे दी है कि सर प्लीज़ क्लियर आउट प्लीज़ क्लियर आउट काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है मुफ्ती के पहले देख उधर है कि नहीं तो वहां से भगा देंगे सारी जगह ऐसी होना है सारी जगह यही हाल होना है यार भाई लोगों का देखो कहाँ सोचा था मिल पाएगा नहीं क्योंकि कहते बात लोग ही तो नहीं मिलने का मौका ही नहीं है पूछ रहे कौन है कैमरा बड़ा धोखा दे रहा है बीच बीच में ऐसा बंद हो रहा है ना भाई ऐसे मेन टाइम में बंद हो रहा है क्या बताऊँ आपको बट रश बहुत ज़्यादा हो रहा है हॉच पॉच हो गया लिटरली अब समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हमने मेयर रोनी का तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई ना हो ज़्यादा बेटर है बहुत ज़्यादा लोग यार हो गया अब सोच ही रहे मेयर रोनी का जाए कि नहीं है ना अब KFC घुस गए वहाँ से भगाएंगे इनको यार जैसे वोट मांगने नहीं चले होते लोग भीड़ में वैसे चले अभी जब वो गाड़ी के पास आ गए तब मिलेगा बैठ के सुबह से मैंने तो कुछ खाया नहीं वैसे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी मेरी इसको बोलते टाइमिंग यार फोन का अंदर तो नहीं भूल गए सच्ची बात मुझे ये लगी यार जो मतलब जो इनकी अपनी एक ऑडियंस बनी है ना उनका जो प्यार है बेशुमार है अंधाधुंध प्यार है लोगों को मतलब कुछ नहीं है भाई आ गए अनुने भाई भैया में भैया अनुने भैया पीछे ही नहीं छोड़ रहे यार पहले स्टारबक्स थे अब KFC में घुस गए लोग अब भाई आगे भी जाएगा लगता है बर्गर किंग या कहीं मैकडी चल जाएगा वहाँ भी सब फॉलो करते करते पहुँच ही जाएगी जी व्हाट्सअप कैसे हो बढ़िया सर आप कैसे हो बढ़िया भाई कहाँ से भाई आप मैं अम्बाला से अच्छा अम्बाला से चैनल दो दिलेक के ब्लॉग्स उधर लोगों ने देखा कि इसी ने घेरा डाला हुआ है बट उसको समझ नहीं आ रहा कि किसको डाल रखे हैं किसको जाके मिलूं मैं देखो लोग लड़ रहे हैं लिटरली फोटोज खिंचवाने के लिए या कैम मतलब व्लॉग में आने के लिए लिटरली सो भाई ही इज द बैड बॉय क्रेजी बनाई है भाई गाड़ी बंदे ने क्रेजी बर्गर देके मिली पिक्चर रिश्वत वो से ले भाई लोग क्रेजी हो गए लोग भाई ये देखो ऊपर चढ़ चढ़ के क्रेजी भाई इतनी क्रेजी रेस्ट नहीं कर सकता मैं यार हाँ यार भाई लोग अंदर तक बैठ गए बस पिक्चर्स खिंचवाने के लिए वीडियोस बनाने के लिए गाड़ी क्रेजी भाई इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए उसकी वजह से देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो गया भाई अभी जस्ट निकले जस्ट कुछ टाइम पहले अभी भी भाई यहाँ ट्रैफिक ही ट्रैफिक हुआ था लोगों ने जाम कर रखा था लिटरली भाई कोई गाड़ी यहाँ घुसेड़ रहा है कोई यहाँ घुसेड़ रहा है बट भाई इज अ ग्रेट गाय बहुत ही अच्छा है यार उनसे बात करके जो फीलिंग है ना मतलब होता है ना एक एटीट्यूड होता है बंदे में जब कुछ वो अचीव कर लेता है थोड़ा फेमस हो जाता है बट नहीं यार इज डाउन टू अर्थ बहुत ही सिंपल बंदे सबको सबसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं फोटोज खिंचवा रहे हैं कोई वीडियोज बना रहे हैं उनकी गाड़ी पे चढ़ रहे हैं लिटरली लोग यार तो उन्होंने कुछ नहीं पर रिस्पॉन्ड कर रहे बड़े हंसी खेल से बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो देख के यार और ऊपर से मेरा एक साल हुआ है आज और उनको मिलकर तो भाई और भी ज़्यादा मतलब सोने पे सुहागा हो गया लिटरली
जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा हो गया भाई। मजा आ गया आज तो, सीरियसली मजा आ गया भाई। मतलब मैंने सोचा था थोड़ा इंटरेक्ट करूंगा उनको, बताऊंगा आई एम ऑल यूट्यूबर, मेरे को एक साल हो गया, बट वो मौका मिला नहीं मुझे। बाकी चलो यहाँ थोड़ा सेलिब्रेट कर दिया अपना एक साल, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ करेंगे, उनका मुंह मीठा करवाएंगे, क्योंकि यार माई फैमिली हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट। उन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया है ना मुझे यार, वो थोड़े अप्स आ रहे, थोड़े डाउन आ रहे, हमेशा साथ रहे यार। उन्होंने कभी ये नहीं बोला छोड़ दे, अब आ नहीं रहे, अच्छे से चल नहीं रहा, तो उन्होंने कभी नहीं बोला, बल्कि उन्होंने बूस्ट ही किया। उन्होंने मेरे को बल्कि आइडियाज ही दिए डिफरेंट डिफरेंट, कि तू ये कर ले वो कर ले, और उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जो मैंने बोला ना उन्होंने करने दिया मुझे, जो मैंने मांगा उन्होंने मुझे दिलाया यार, एंड आई एम सो ग्रेटफुल यार। भाई मेरा फ़ोन धोखा दे रहा है बार बार, अभी इतना कुछ रिकॉर्ड किया था मैंने, मुझे पता ही लगा कि ये खुद ही बंद हो गए, इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है और ये बंद हो चुका है। अभी आए हम चंडीगढ़, चंडीगढ़ का हाल देख के हम तो और भी बेहाल हो गए, क्योंकि चंडीगढ़ इतना ज़्यादा खाली हुआ इस टाइम। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है यार, थोड़ा मतलब मैं बीच में भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो फ़ोन मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और उसकी वजह से बार बार बंद हो रहा था। हमने सारे काम निपटा दिए चंडीगढ़ के, मेरे को डैडी पापा की गाड़ी के लिए क्लच प्लेट चाहिए थी एक्चुअली, तो वो हमने 28 सेक्टर से परचेज की। बाकी रोनी भाई को भी कुछ अपना काम था, तो भाई मैं ले जा रहा हूँ कुछ पीस मिठाइयों की, ज़्यादा मैंने खिलाऊंगा सबको। वैसे भूई वगैरह को भी खिलाने थे, मगर अभी जाते जाते भूलिया मिले जा रही, मगर कोई नहीं, उनको बाद में खिला लेंगे। अब ये देखो बंदा मोड़ रहा होगा इस साइड को, इसको पता नहीं लगा होगा इस साइड को गैप है ज्यादा। भाई इस बंदे ने नहीं घुसेड़ दी गाड़ी, एक टायर पे खड़ी हो गया गाड़ी लिटरली भाई। इतना लाइट ओहो, चाल चाल भाई, चाल चाल बढ़िया मेरे क्या? ये तेरे लिए कुछ लाया मैं यार, मैं काफी देखो दिनों क्यों भाई आए हमारे। हेलो चिबू, हेलो चिबू भाई, यार तेरे भाई को एक साल हो गया, याद नहीं तुझे? ओहो कांग्रेचुलेशन, तरक्की करे और हम भी आपके साथ तरक्की करें। अरे क्यों नहीं, मिलकर करनी है और क्या मेरे भाई, तो आओ मिठाई खाओ यार। भाई क्या बात है भाई, चमचम स्पेशली, चमचम तो फेवरेट है भाई का। यस ब्रदर, भाई जी आओ यार। किसने पुकारा मुझे? हमने पुकारा भाई, मिठाई भाई जी यार, एक साल हो गया आपके भाई को यार, मैं खुशी में मिठाई तो खिलाई है। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, आपका चैनल इसी तरह से चलता रहे और हमें ये स्वीट्स मिलती रहे। खुशी हो? हाँ तेल ले दो, तेल ले दो, ज्यादा खुशी है। बहुत अच्छी बात है, उज्जवल को एक साल हो गया, सोचा नहीं था। हम लोगों ने साथ शुरू किया था तो सही बात, आइडिया भी नहीं था, मतलब ऐसा लगता था की पता नहीं यार चलेगा कि नहीं, और पहले दिन जो शूट किया अगले दिन ये लगता था अगले दिन क्या करेंगे, यकीन नहीं हो रहा है कि हमने क्या कुछ नहीं किया, और एक साल। थैंक यू सो मच आप सभी को भाई, ये होता है जब आपको जल्दी हो ना, सब स्पेशली तो सबसे ज्यादा जल्दी हो साला, तभी ऐसी चीज होती है। देखो लाइट चलेगी, अब लिफ्ट नहीं चलती, अब कैसे जाए ऊपर? 10 फ्लोर चलना आसान बात होना है। एक साल की खुशी में जरा मैं सोचा कुछ ज्यादा तो कर नहीं पाया, तो मुंह मिठाई करवाया जाए। लो जी लो आपके लिए ये, बाकी पूरा डब्बा भी रखो। हाँ दे है। बहुत बहुत बधाइयां हो, भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे तू, और ज्यादा से ज्यादा हमारी YouTube फैमिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट करते रहे इसी तरह है। इसी तरह और ज्यादा से ज्यादा हमारी फैमिली बड़ी बन गई। अगले साल का गोल जो है ना 10 लाख सब्सक्राइबर का होना चाहिए। 10 लाख साल कंप्लीट हो गया, तो काफी कुछ सीखा भी तो नहीं, काफी कुछ नहीं भी सीखा है, और बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी भी। थैंक यू उन लोगों को जो तेरे साथ टिके इतने टाइम तक, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और लोगों को और भी अच्छी अच्छी चीजें दिखाने की जरूरत है। सही बात है, तो जहाँ जहाँ कमी है लोग भी बताए और ये भी मेहनत करे, तो आपको अच्छे अच्छे चीजें दिखा सकते हैं, इसमें कैपेबिलिटी है। गाड़ी आराम से चलाना, बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं है स्पीड में जाने, स्पीड क्यों टेंशन आड़ू में पाड़ू और लेव का करेंगे, आगे को बदलने पड़ते हैं, आए पीछे वाले कर लेगा। चल ठीक है, चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना, ठीक है दोनों। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो गाइस फाइनली 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 पहुंच चुके हैं हम शिमला, पार्किंग भी मिल गई, अच्छी बात है कि अब यहाँ पार्किंग की कमी नहीं होती भाई, लोग पता नहीं लगाते नहीं अब यहाँ गाड़ी। फाइनली घर पहुँच चुके और जो हाल हुआ है ना बिल्कुल डेड, मुझे तो इतनी नो लग रही है ना आज के, मतलब ऐसा तो सबसे पहले अब तो चावल लगाएंगे है ना, फिर उसके बाद खान पान करते हैं, फिर सो जाते हैं पापा ने, क्योंकि बहुत जल्दी उठना है। आज का वैसे दिन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी मज़ेदार रहा है, ऊपर से एक साल हुआ है आज मुझे, तो मतलब आज इतना कुछ हुआ है वो भी अनएक्सपेक्टेड जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आज एक तो अपनी इंस्पिरेशन से मिलाऊँ, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस बात की है। बाकी चलो पेरेंट्स के साथ थोड़ा सेलिब्रेट किया, भाइयों के साथ किया, अब यार इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो उसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको एक ऐसी ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। टैलेंट आ रहा पापा सी।